आपको बता दें कि जसराम पटेल लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। इसी जनसंपर्क के दौर के चलते आज क्षेत्र के गोकुलपुर गांव पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने जसराम पटेल को ऊंट पर बिठाकर गाजे बाजे फूलमालाओं द्वारा भव्य स्वागत किया। जसराम पटेल के साथ पूरे गांव का जनसैलाब देखने को मिला। इसमें महिलाएं भी काफी संख्या में गांव की चौपाल पर पहुंची। वहीं जसराम पटेल ने बताया कि यदि इस बार समझदारी से काम नहीं लिया तो बीजेपी और कांग्रेस नेता सदैव आपका शोषण करते रहेंगे। वहीं जसराम पटेल ने बेहद ओजस्वी भाषण के दौरान आमजन को यह विश्वास दिलाया कि उनका बेटा चुनावी मैदान में है और सदैव बहरुड विधानसभा की 36 बिरादरी के लिए लड़ेगा, 36 बिरादरी के लोगों के मान सम्मान के लिए लड़ेगा और कभी भी क्षेत्र की जनता से दूर नहीं होगा। वहीं जसराम पटेल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि विधानसभा क्षेत्र में अनेक मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वह चुनाव लड़ रहे हैं। आमजन आज पूरी तरह से त्रस्त नजर आ रहा है। आमजन के आत्मसम्मान एवं उनके सुख चैन के लिए मुझे चाहे किसी भी प्रकार की लड़ाई लड़नी पड़े, वह भी लड़ के रहूंगा। वहीं गोकुलपुर निवासी वीरेंद्र यादव वीरू एवं महिपाल यादव सहित पूरे गांव की तरफ से आश्वस्त किया और आने वाले 7 दिसंबर को अधिक से अधिक वोट एवं समर्थन देने की बात कही। बहरोड विधानसभा के मुद्दे जो आज से पहले जो बना रखे थे नेताओं को, उन नेताओं के जो मुद्दे आज से पहले बना रहे थे, अगर जसराम आया इस सप्ताह में के मान लेने सारे मुद्दे नष्ट करेगा। बेटा 36 बिरादरी का बेटा, जो भी मुद्दे है, जो भी बेरोजगारी है, जो भी क्राइम है, ये मान लेना कि जिस दिन इसकी विजय श्री का आशीर्वाद मिलेगा, इस दिन किसी प्रशासन की कोई जरूरत नहीं होगी। वहाँ पे जो जाए ना वहाँ पे रुक जाएंगे। जो कंपनी के आज हमारे को प्रदूषण और जो हमारे वातावरण को जो खराब हो रहा है ना, इसी को किसी को कहने की जरूरत नहीं। 36 बिरादरी का ललकार सब कुछ आप ही करेंगे। आज नहीं है तो आप देख रहे हो पत्रकार मोदी साहब, ये तो जहाँ जहाँ चौपाल पे जा रहा है वहाँ उससे आगे वो राजा, उससे आगे वो उससे आगे। ये जनता का प्यार है, जनता का अपार जन समर्थन है। और वो आपको अगर कहीं किसी भाई के अगर ये हो कि चौथे नंबर बता रहे, पांचवें नंबर बता रहे, छठे नंबर को 11 तारीख को देखने नहीं, 3 बजे, 2 बजे, 11 बजे, 12 बजे सारे उठ उठ के आएंगे और 36 बिरादरी की जनता माता जसराम को वहां से साथ लेके आए। और अब बात करेंगे मुंडावर विधानसभा की। मुंडावर विधानसभा में प्रत्याशियों ने अपनी भागदौड़ तेज कर दी है। इसी दौरान बसपा से